है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और इनकी माता का नाम काशीबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में ही हुई थी। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला एवं हिंदी का अध्ययन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके गुप्त जी ने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें साहित्यिक सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुई। अब आगे चलते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो इनकी कृतियाँ जो हैं, बहुत सी इन्होंने कृतियों लिखी हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लगभग 40 काव्य ग्रंथों में भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, कावा और करबला प्रमुख रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी ने अनग, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास जैसे तीन छोटे छोटे पदवद रूपक भी लिखे। और स्टूडेंट्स, यदि आप इनको जो है इतने शब्दों को बना के लिख देंगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे और इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है।